बुधनी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी से आज अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में अपने हजारों भाजपा समर्थकों के साथ रोड शो के माध्यम से ढोल नगाड़े और शानदार आतिशबाजी के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी में चारों तरफ विकास है और यहां आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। चंपालाल केवट की रिपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण से बनी है और बुधनी कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के परिवार की तरह है। मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी के प्रति शुभकामना भी है और हम उम्मीद का हर परिवार भाजपा का परिवार और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि आज तस्वीर और तकदीर अगर बदलिए तो भाजपा की सरकार